आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 9। इस पाठ का शीर्षक यानी टाइटल है बुलबुल। बच्चों, क्या आपने कभी बुलबुल देखी है? अगर नहीं देखी है तो इस पाठ को पढ़ने से आपको बुलबुल की पहचान भी हो जाएगी और इस चिड़िया के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बच्चों, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, एक आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुए मिले तो उसकी पूंछ को ध्यान से देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। और जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। सिरा होता है अंतिम हिस्सा। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है और उसका बाकी शरीर भूरा यानी ब्राउन और सिर का रंग काला यानी ब्लैक होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बच्चों, आपने सिपाही देखा होगा ना, जो सिपाही एक टोपी पहनता है, उसके टोपी पर एक पंख लगा होता है ना, तो वो उसकी कलगी होती है। इस तरह से जिस बुलबुल के सिर पर कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। यानी बुलबुल को क्या क्या खाना पसंद है? कीड़े मकोड़े, सब्जी, फल आदि। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो बच्चों, बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? 2 या 3। और वो किस रंग के होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग कौन सा होता है? पिंक कलर। तुम उन्हें अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। बैंगनी होता है बच्चों पर्पल कलर। तो देखा, कितनी आसान पहचान बताई है बुलबुल के बारे में। तो अब आपको पहचानना है कि इन 3 चित्रों में से बुलबुल कौन है। आपको काफी पहचान बताई है ना मैंने, आप आसानी से पहचान सकते हो। तो अच्छा, आपने पहचान लिया कि पहला वाला जो चित्र है वो बुलबुल है। तो अब आपको बताना है कि आपने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो इसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है। अगला प्रश्न है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिरे पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो जो ये पहला चित्र है इसमें मुर्गा दिखाया है, तो मुर्गे के सिर पर भी कलगी है ना, तो इसका रंग कौन सा है? लाल। तो पक्षी हुआ मुर्गा और कलगी का रंग क्या हुआ? लाल। दूसरा पक्षी कौन सा है? मोर। तो मोर के सिर पर जो कलगी है वो कौन से रंग की होती है? नीली। अगला प्रश्न है कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो इसका उत्तर है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह इसके सिर पर भी कलगी लगी होती है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो इसमें पहली बात है बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। दूसरा लिखेंगे बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। तीसरा लिखेंगे बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल और तुम, अब बुलबुल को अपने आप से कंपेयर करना है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, ये पार्ट में आया था ना। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है पता करो, तो ये पता करके आपको लिखना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, ये भी आपने पार्ट में पढ़ लिया है।
और आपको ये बताना है तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो आप लिखेंगे कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, इसका उत्तर होगा बुलबुल कीड़े मकोड़े व फल सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है कब कब, तो इसका पता आपको अपने आप लगाना है कि आपकी क्लास में या आपके घर में कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब, इसका उत्तर भी आप खुद लिखेंगे। हमें पहचानो, तो इस प्रश्न में मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, तो बताओ बच्चों मैं कौन हूँ, तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पांव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो बताओ मैं कौन हूँ, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ, मैं कौन हूँ, चूहा। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो, तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, इन सबको हम पक्षी कह सकते हैं ना, तो इन सब के लिए कॉमन नाउन क्या होगा, बर्ड यानी पक्षी। तो नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं आपको लिखना है, उनके लिए एक एक नाम, जैसे गोभी, आलू, भिंडी, आप सब जानते हो ना ये सब क्या हैं, सब्जी, सब्जियां हैं, तो इनके लिए एक नाम क्या होगा, सब्जी। आगे है संतरा, केला, सेब, ये सब फलों के नाम हैं, तो इनके लिए एक नाम क्या हुआ, फल। आगे देखेंगे गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब, इन सब के लिए एक नाम, जानवर। अगला है मूंग, चना, अरहर, ये किसके नाम है बच्चों, दालों के, तो इन सब के लिए एक नाम क्या होगा, दाल। तो ये थे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर वॉचिंग न्यू अपकमिंग वीडियोज़।